हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वैकेंसी की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना एडवर्टाइजमेंट जो है 01/2019 FCI कैटेगरी 3 जो है वो जारी कर दिया है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो इसमें जोन वाइज रिक्रूटमेंट जो है किस किस पोस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जूनियर इंजीनियर है इसमें, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, हिंदी स्टेनो ग्रेड 3, टाइपिस्ट एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 और टेक्निकल डिपार्टमेंट की ये वैकेंसीज जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ किस में कितनी पोस्ट वगैरह है। तो फ्रेंड्स, इसमें JEE यानी कि सिविल इंजीनियरिंग की जो है टोटल पोस्ट जो है वो इसमें डिक्लेयर्ड की गई है 46। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज पूरी पोस्ट यहाँ पे दे रखी है और काफ़ी अच्छी सैलरी भी है इसमें। और JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो टोटल पोस्ट है वो यहाँ पे 30 है और स्टेनो ग्रेड सेकंड में जो पोस्ट बनाई गई है वो है लगभग 43 के आसपास है। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 30 पोस्ट है यहाँ पे, और असिस्टेंट ग्रेड 3 सेकंड में 22 पोस्ट हैं और असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल में जो है वो 256 है। काफ़ी पोस्ट इसमें जो है रखी गई है। ठीक है, और अकाउंट्स वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स में भी जो है वो 287 पोस्ट हैं और असिस्टेंट ग्रेड 3 में 286 पोस्ट हैं। और टेक्निकल्स में 5 पोस्ट हैं और असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपार्टमेंट में लगभग 478 पोस्ट जो है डिक्लेयर्ड की गई है। ठीक है, तो ये जोन वाइज भी इसमें अलग अलग पोस्ट जो है वो डिक्लेयर्ड की गई है। ये साउथ जोन की पोस्टें हैं और ये ईस्ट जोन की पोस्टें हैं और इसमें भी वेस्ट जोन की पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये यहाँ पे NE जोन की पोस्ट है नॉर्थ जोन की। तो ये पूरा नोटिफिकेशन इसी से रिलेटेड है, इसमें मैं आपको और ये रिजर्वेशंस भी यहाँ पे जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखा है और भी इसमें कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज आर एज फॉलोज, पूरा वीडियो है ये इसी से संबंधित है। और JEE सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ इसमें जो है वो होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिक इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। स्टेनोग्राड सेकंड में ग्रेजुएट मांगा गया है और ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है DOEIC का, और 40 वर्ड पर मिनट जो है वो टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, और असिस्टेंट ग्रेड सेकंड हिंदी में जो है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज द मेन सब्जेक्ट मांगा गया है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मांगा गया है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी प्रकार जो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इसमें क्वालिफिकेशंस भी हैं, और असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल में BSc इन एग्रीकल्चर पूछा गया है या फिर वो बॉटनी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का भी स्टूडेंट जो है वो हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने BSc किया है और उनके ग्रेजुएशन में बॉटनी जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी या जो भी केमिस्ट्री वगैरह जो भी एक सब्जेक्ट है, तो वो असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है फ्रेंड्स ये, मैंने भी इसमें एग्ज़ाम्स दिया था और मेरा एग्ज़ाम्स क्लियर भी हुआ था, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं जो था वो अब बाहर हो गया था, क्योंकि एक पोस्ट के लिए इसमें 3 लड़के को जो है सिलेक्ट किया गया था। तो मेरिट काफ़ी लो जाती है इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी टफ रहता है। तो आप चाहे तो जो भी साइंस वाले स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ पर जाकर के आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसका सिलेबस वगैरह सभी इसके अंदर दे रखा है। सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, उसके लिए 20 मिनट रहेंगे। ठीक है, और इसमें ये एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन है, लास्ट ईयर जो ये थे ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। रीजनिंग एबिलिटी भी इसके अंदर 35 नंबर का पूछा गया है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है वो 35 मार्क्स का इसके अंदर आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर की बात हम करें तो इसमें पेपर फर्स्ट होगा, पेपर दो पेपर होंगे एक्चुअली इसमें, 1 पेपर और एक होगा सेकेंड पेपर। ठीक है, तो असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल डिपार्टमेंट और हिंदी स्टेनो के लिए जो है ये यहाँ पे पेपर शो हो रहे हैं, ये आप चाहें तो देख सकते हैं इसमें। और असिस्टेंट ग्रेड 1 और 3 के लिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग और जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए जो है ये अलग से एग्ज़ाम्स होगा। ठीक है,
आप इस पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्स है और इसमें सैलरी और आगे प्रमोशंस के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस बार जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा पूरे नोटिफिकेशन को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको लिंक में भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, और इसी पोस्ट के लिए मैं आपको आगे साइंस के भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे वीडियो से भी आप साइंस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा आपको आगे, और ये 3 साल में एक बार एग्ज़ाम्स आती है। तो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम 2014-15 में आया था नोटिफिकेशन इसका। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप अपने इस फॉर्म को फिलअप ज़रूर कीजिएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसके फॉर्म भी जो है वो ऑनलाइन भराएंगे, तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप ऑनलाइन जाके www.fci.nic.in पे अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।